बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने 10+2 के लिए वैकेंसी निकाला है एलडीसी का। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में, कब से ऑनलाइन, कितना वेतन और एजुकेशन क्या रहना चाहिए, उम्र क्या रहना चाहिए और कितने पोस्ट हैं। तो पहले हम ऑनलाइन तिथि की बात कर लें, तो आवेदन जो आरंभ हो रहा है ऑनलाइन करने का, वो 19/3/2021 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 16/4/2021 को रखा गया है। तो अब चलिए हम ऑनलाइन फ़ी की बात कर लें। ऑनलाइन फ़ी की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों यानी कि जनरल के लिए 600 रुपये फ़ी रखा गया है और केवल बिहार के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि इनके लिए 150 रुपये और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिलाओं के लिए भी 150 रुपये रखा गया है, दिव्यांगों के लिए भी 150 रुपये रखा गया है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये, जैसे जिसमें कि ओबीसी आ जाएंगे इन सब के लिए क्या रखा गया है 600 रुपये, या फिर बिहार से बाहर के जो होंगे उनके लिए भी 600 रुपये फी रखा गया है। अगर वेतन की बात करें इसमें आपको कितना वेतन मिलेगा, तो 19,900 से लेकर 63,200 तक, मतलब मिनिमम जो वेतन है 19,900 है और 19,900 से बढ़ते बढ़ते 63,200 तक होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर में आपका योग्यता रहना चाहिए या फिर कंप्यूटर सीखे हुए रहना चाहिए। अब हम उम्र की बात करें तो 1/8/2021 तक आपका जो मिनिमम उम्र है वह 18 साल होना चाहिए और जनरल के लिए मैक्सिमम उम्र 37 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल या फिर महिलाओं के लिए भी 40 साल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मैक्सिमम एज कितना रहना चाहिए 42 साल। अब मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करेंगे और उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा गया है ओरिजिनल कॉपी, हर चीज़ का आपका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, जेरोक्स नहीं स्कैन डालना है, ओरिजिनल ही डालना है आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का अंक पत्र, फिर आप किसी भी कास्ट के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर डालें। अगर आप EWS रिजर्वेशन से आ रहे हैं तो उसका भी आपको कास्ट उसका भी सर्टिफिकेट आपको EWS का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और एक यहाँ पर पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जिसमें आपका फ़ोटो हो वो लगाना है, अपलोड करना है। फिर आपको 4 हाल ही में खींचा गया फ़ोटो आपको अपलोड करना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वैकेंसी को भरने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप वैकेंसी को फिल कर सकते हैं।